रसोई गैस पेट्रोल और डीजल में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में आज पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश मार्च मानस पथ बौली मोड़ से आरंभ होकर पश्चिम दरवाजा मोड़ तक निकाला गया। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए तरह तरह के नारे लिखे हुए हाथ में तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे और इस दौरान आवाज बुलंद करते हुए नारे लगा रहे थे। नारे लगाते हुए कार्यकर्ता गरीब का मौलिक अधिकार का हनन करना बंद करो, रसोई गैस पर बेतहाशा मूल्य वृद्धि वापस लो, पेट्रोलियम मंत्री इस्तीफा दो, जनता की महंगाई का बोझ मुफ्त करो आदि नारों के साथ डीजल पेट्रोल रसोई गैस के मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग कर रहे थे। राजद नेता मोहम्मद जावेद ने आक्रोश मार्च के दौरान कहा कि जनता को लुभावने वादे करके, जनता को गुमराह करके, झूठ बोलकर केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आई, लगातार झूठ बोलकर जनता को दोहन करने वाले काम कर रही है। जनता लंबे समय तक कोविड-19 से त्रस्त थी, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक कमर टूट चुकी है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार व पेट्रोलियम मंत्री रसोई गैस पेट्रोल व डीजल की मूल्यों में लगातार बेतहाशा वृद्धि कर रहे हैं। वर्तमान समय में मोदी सरकार द्वारा रसोई गैस की कीमत 867 रुपए कर दी गई है, जिसकी राष्ट्रीय जनता दल पटना साहिब के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। इसी के विरोध में आज राष्ट्रीय जनता दल पटना साहिब के नेताओं व कार्यकर्ताओं और सैकड़ों लोगों द्वारा बौली मोड़ से पश्चिम दरवाजा मोड़ तक आक्रोश मार्च निकालकर बढ़े पेट्रोलियम पदार्थों व रसोई गैस की कीमत वापस लेने की मांग की गई। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री से इस्तीफा की भी मांग की गई। मौके पर पूर्व पार्षद व राजद नेता बलराम चौधरी ने पेट्रोलियम पदार्थों व रसोई गैस में लगातार हो रहे मूल्य वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर बयानबाजी करते हुए कहा कि मोदी सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। इसी के कारण आज राष्ट्रीय जनता दल और पटना साहिब की जनता ने रसोई गैस में मूल्य वृद्धि को वापसी की मांग को लेकर आक्रोश मार्च निकाला। जनता दल तमाम पटना साहिब के तमाम साथी झूठ बोलकर आज इस बात का संदेश दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की 750 करोड़ जनता को वादा किया था, उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में और देश की जनता के सामने 350 गैस चाहिए या आपको 800 में वृद्धि करके आज 867 रुपया ₹867 मूल्य हो गया, सब्जी की नील हो गया, पेट्रोलियम जो पेट्रोल का जो मूल्य है लगभग 100 रुपए के आसपास हो गया, डीजल का दाम 90 रुपए के आसपास हो गया। देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं आप, देश की भावना के साथ छलने का काम किया है। देश की जनता माफ आने वाले दिनों में माफ नहीं करेगी। जनता को लुभावने वादा करके, जनता को गुमराह करके, झूठ बोलकर, शब्द बाघ दिखाकर केंद्र की मोदी सरकार जो सत्ता में आई लगातार झूठ बोलकर जनता का दोहन करने का काम कर रही है। अभी बड़े तो लंबे समय तक जो है कोविड-19 से ग्रसित जनता, जो जिसने कोविड ने जनता का आर्थिक कमर तोड़ दिया है, लगातार जो है केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्री लगातार जो है पेट्रोलियम पदार्थों और कुकी गैस के रेट में बेतहाशा वृद्धि कर रहे हैं। अभी जो 867 रुपये का जो कुकिंग गैस की जो घोषणा हुई है, राष्ट्रीय जनता दल पटना साहिब के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं ने केंद्र की घोषणा का विरोध किया है और पटना साहिब की जनता के साथ आज आक्रोश मार्च करते हुए मूल्य वृद्धि को तुरंत वापस लेते हुए केंद्र के पेट्रोलियम मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। अगर इस मांग पर सुनवाई नहीं होता है, पेट्रोलियम गैस की जो है मूल्य वृद्धि को अगर वापस नहीं लिया जाता है, तो पटना साहिब से ये आंदोलन निकलकर जो है पटना जिला और पूरे राज्य और देश तक पहुंचने का काम करेगा। मोहम्मद जावेद, बिहार प्रदेश, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व महासचिव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।